जय हिंद, आप सभी को सत सत नमन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। क्या क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो, क्योटो आप कहिए या क्योटो, दोनों एक ही है। क्योटो प्रोटोकॉल, हम लोगों ने UNFCCC के बारे में पढ़ा। क्या UNFCCC क्या है? ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पृथ्वी सम्मेलन में, क्या पृथ्वी सम्मेलन में, यह एक प्रकार की संधि है। क्या यह एक प्रकार की संधि है? और अब इस संधि में जो भी निर्णय लिया गया या जो भी आगे निर्णय लेना है वो किसके माध्यम से लिया जाता? कोप के माध्यम से। कोप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कि सभी जितने भी सदस्य हैं वो इकट्ठा होंगे। तो पहला जो कोप होता है, क्या पहला जो कोप होता है वो बर्लिन में होता है। ठीक, UNFCCC के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब कोप में जो मुख्य मुख्य कोप हैं उनको हम पढ़ेंगे। पहला कोप बर्लिन में होता है। इससे हमें मतलब केवल इतना है कि कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला कब हुआ, लेकिन इसमें कोई हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। हम आते हैं कहां पर? कोप थ्री पर। कहां पर आते हैं? कोप थ्री पर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थ्री। ये कहां पर होता है? जापान के क्योटो शहर में। क्या? जापान की क्योटो शहर में। कहां होता है? जापान के क्योटो शहर। कब होता है? 1995 में पहला कोप होता है बर्लिन में। 1997 में ये 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अब इसमें आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि क्योटो प्रोटोकॉल यूएन की संधि है या नहीं। क्या यूएन की संधि है? जब UNFCCC के अंतर्गत आता है तो यूएन की संधि होगी। ठीक है, और ये क्या है? लीगल बाइंडिंग है, यानी बाध्यकारी है। क्या बाध्यकारी है? अगर UNFCCC को देखेंगे तो बाध्यकारी नहीं है। क्या वो बाध्यकारी नहीं है? लेकिन UNFCCC के अंतर्गत ही ये जो कोप हुआ, कोप थ्री हुआ, और ये प्रोटोकॉल आया, यानी कि ये संधि आई, तो ये क्या हुई? बाध्यकारी हो गई। क्या ये बाध्यकारी है, यानी लीगल, लीगली बाइंडिंग है जो भी सदस्य हैं इसके। क्या जो भी सदस्य हैं इसके, उनके ऊपर ये लीगली बाइंडिंग है। अब ये जो संधि है या समझौता है या प्रोटोकॉल है, जो भी आप कहें, ये लागू होता है 2005 को। क्या 2005 को लागू होता है? ठीक है, ये 2005 को लागू होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं जिसको हम लोग समझते हैं। एक पॉइंट इसमें आता है जो भारत ने, कह सकते हैं भारत ने ही डेवलप किया है उसको, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR, इसको समझ लेते हैं। इसको भारत ने बहुत ही जोर ढंग से क्योटो प्रोटोकॉल में भी रखा, और अब आगे जब हम COP21 पढ़ेंगे वहां तो उसको लागू किया गया है, यहां भी इसको लागू किया गया है। अब ये CBDR क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कोई देश वर्तमान में गरीब है, क्या वर्तमान में गरीब है, जैसे किसी देश को नाइजीरिया को लेते हैं। क्या नाइजीरिया? अब नाइजीरिया गरीब है, नाइजीरिया
नाइजीरिया या नाइजर। अब नाइजीरिया जो देश है उसकी जनसंख्या बहुत है, मान लेते हैं 15 करोड़, और यहाँ लोग गरीब हैं। अब अगर ये नाइजीरिया जो देश है ये है, इस पर ये लागू कर दिया जाए कि तुम्हें CO2 का इमिशन नहीं करना है, कार्बन का इमिशन नहीं करना है। अब कार्बन का इमिशन नहीं करेगा तो कैसे विकास होगा, कैसे विद्युत का निर्माण होगा, कैसे रेल चलेगा, कैसे, यानी कि अगर जो देश हैं अभी शुरुआत में विकास ही कर रहे हैं उन पर अगर दबाव डालकर कोई संधि कर दिया जाए तो वो विकास नहीं कर पाएंगे या तो संधि मानेंगे नहीं। तो भारत ने क्या कहा, भारत ने कहा विश्व में जलवायु परिवर्तन है तो जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व में है, वो समान है। क्या वो समान है? लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। क्यों अलग होनी चाहिए? क्योंकि विकसित देशों ने क्या बहुत सारा इमिशन कर दिया है, यानी कि बहुत सारा CO2 का क्या किया है, उत्सर्जन किया है उन्होंने, हम लोगों ने भी शुरुआत ही नहीं की है। तो इन्होंने क्या पूरे विश्व को अगर डिवाइड करें और आपके जैसा अमेरिका जैसा विकसित बनाना चाहें तो हम मान लेते हैं कि 100 क्या है, 100 CO2 है पूरे विश्व को अमेरिका जैसे बनाने के लिए, 100 CO2 है। आपने 75 तो क्या आपने 25 खर्च कर लिया है, क्या 25 खर्च कर लिया, 75 बचा है, तो 75 जो बचा है वो तो मेरा है, आपने अपना खर्च कर लिया, क्या आपने अपना खर्च कर लिया। अब आपने जितना खर्च किया है उसकी भरपाई करिए, 25 खर्च किया है तो 25 आप भरपाई करिए, क्या 25 भरपाई करिए, इसको 100 करिए, ठीक है, और इसको 100 हर समय रहना है, मान लीजिए क्या इसको 100 हर समय रहना है, तो आप 25 भरिए। और नाइजीरिया ने क्या 2 ही खर्च किया है, अगर 100 CO2 है 25 खर्च किया है तो आप 25 भरिए, उसको 100 पूरा करिए, क्योंकि मान लेते हैं कि 100 CO2 है और इससे ना ज़्यादा होना है ना कम होना है, कम करेंगे तो नुकसान, ज़्यादा करेंगे तो, ज़्यादा करेंगे क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, कम करेंगे तो क्या होगा, ठंडी बढ़ेगी, तो उतने पर रहना है। 25 खर्च कर लिए, आप 25 वहाँ पर पहुँचाइए। नाइजीरिया ने 2 खर्च किया है, 2 वहाँ पर खर्च किया है, भारत 1 खर्च किया है तो 1, यानी कि सभी करेंगे लेकिन जितना जिसने खर्च किया है उतना ही क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं 25 तुमने खर्च कर लिया 25 और नाइजीरिया 25 भरे, विकास तुमने किया अमेरिका ने किया और भरे कौन, भारत। तो इसी को क्या बोला गया, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन एक प्रकार की नहीं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा जो देश है उसी के अनुसार उस पर क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक। ये एक पॉइंट इसमें था। दूसरा पॉइंट था प्रदूषक पे करे, क्या दूसरा जो कह सकते हैं बिंदु था, प्रदूषक भुगतान करे, ये भी इस क्योटो प्रोटोकॉल में क्या माना गया, ठीक है। दो ये मुख्य बिंदु था, प्रदूषक भुगतान करे और CBDR समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ ये किस लिए हुआ, ये इसलिए हुआ कि CO2 को कम किया जाए या ग्रीन हाउस जो गैस हैं उनको कम किया जाए, ठीक है, क्या ग्रीन हाउस गैस को कम किया जाए। तो इसमें केवल CO2 को नहीं रखा गया, क्या केवल CO2 को नहीं रखा गया, छह गैसें हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्या 6 गैसें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जिनको इसके अंतर्गत रखा गया और क्या कहा गया कि इसको कम करना है। पहला तो अपना है सरदार, ये तो सरदार है जिनका, ये रहे ज्यादा हो जाए तो समस्या और कम हो जाए तो समस्या, ज्यादा खाओ तो पछताओ ना खाओ तो पछताओ, यही इसकी हाल है। दूसरा है मीथेन, ये ऊर्जा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या लाफिंग गैस, ये भी इसको भी माना जाता है क्या एक CO2, क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इसको। अगला गैस है उसका नाम है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, क्या सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड चौथा गैस हो गया, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड।
ठीक है। अगला अगला गैस है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्या? हाइड्रो फ्लोरो कार्बन। क्या? हाइड्रोफ्लोरो कार्बन, पांचवा गैस हो गया। अगला जो गैस है पर फ्लोरो कार्बन। कार्बन क्या? पर फ्लोरो कार्बन, ठीक है। ये छह गैस है जिसको आपको याद करना है, दिमाग में रखना है एग्जाम से पहले, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब ये जो गैस है इनको कितना कम करना है, क्या इनको कितना कम करना है, इनको 1992 के स्तर पर क्या 5% तक कम करना है, 5% पॉइंट तक कम करना है। 1992 के स्तर तक 5% कम करना है, ठीक है। कम करना है 5%, ठीक है। कब तक करना है ये भी तो पता होना चाहिए कि वैसे 5% कम करना है, कम करना है कब तक करना है, जिंदगी भर में कर दो ऐसे तो होगा नहीं, जिंदगी भर में तुम कर दो 5% कम, ऐसा नहीं, समय भी होगा। तो अब हम समय को देखते हैं, इस पॉइंट को आप दिमाग में रखिए, फिर समय को भी देखेंगे हम। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो दो पीरियड में लागू होता है। क्या? दो पीरियड में। पहला पीरियड चलता है, पहली अवधि जो है वो 2008 से 12 तक चलती है। क्या? 2008 से 12 तक। क्या? 2008 से 12 तक चलती है, और इसमें स्पेशली विकसित देश ही, इसमें 36 देश कम से कम इसमें है। पार्टी तो बहुत है। क्या? पार्टी बहुत है, यानी कि इस पर समझौता करने वाले, हस्ताक्षर करने वाले बहुत हैं, लेकिन ये 20 जो 36 देश हैं इनके लिए बाइंडिंग था कि क्या किया जाए, ये कम करेंगे। क्या? कम करेंगे, ठीक है। पहला ये पीरियड था। अब इस पीरियड में कौन कौन नहीं है ये जान लो, वो ज़्यादा भी वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा गलत बोलना उचित नहीं होगा। तो 36 देश हैं, और इसको कितने देशों ने अप्रूव किया, 192 देशों ने, या आप कह सकते हैं यूनिवर्सली रूप से स्वीकृत है, यानी कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के देश हैं सभी ने इसको माना। इसको किसने किसने नहीं माना इसको देख लो। ये दादा सबसे ज्यादा परेशान कर रखे हैं, ये खुद तो परेशान रहते ही हैं, दुनिया को परेशान रखे हैं। कभी हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ेंगे तो उसमें वहां देखेंगे कितना परेशान करते हैं, ये भी इसमें नहीं है। एक दादा है, दादा नहीं हो तो गरीब देश है साउथ सूडान, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ही नहीं है, अच्छे से सिस्टम ही नहीं है तो वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। और एक कनाडा, इन्होंने इसको क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं माना। क्या? क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं माना। और एक छोटा सा देश है अंडोरा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा जो समय चलता है, क्या दूसरा जो समय है, दूसरी अवधि कह सकते हैं, अवधि ये चलता है 2012 से 2020, और 20 के बाद क्या होगा, 20 के बाद क्योटो प्रोटोकॉल समाप्त होगा, समाप्त हो गया, उसके बाद पेरिस संधि को लागू करने की, लागू हो चुका। क्या? पेरिस संधि, यह हो गया। अब इसमें दो शब्द और आते हैं जो समानता इम्पॉर्टेंट है। क्या? दो शब्द और आते हैं जो समानता इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो जो शब्द हैं या कंसेप्ट ही कह लीजिए, वो बहुत ही कह सकते हैं जटिल तो नहीं कह सकते, लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन हम लोग क्या 5-5 मिनट में समझते हैं। एक आता है CDM। क्या? CDM इसको बोलते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म।
ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसको आपको सीडीएम ही लिखना है। अब ये क्या है, क्योंकि प्रोटोकॉल में क्या हुआ कि कुछ देशों पर कहा गया कि आपको क्या करना है, इतना क्या करना है, कार्बन कम करना है, क्या इतना कार्बन कम करना है, ठीक है। कहाँ पर मान लेते हैं, यूएस तो है नहीं, जर्मनी को मान लेते हैं, जापान को मान लेते हैं, जापान सबसे अच्छा देश है। जापान को कहा गया कि या आप 10 कार्बन कम करिए, ठीक है, 10 कार्बन कम करिए। लेकिन जापान की जनता या जापान की सरकार अगर 10 कम करेगी तो वहां पर क्या एक जो जीवन की गुणवत्ता पर है वो क्या होगा, गलत इफेक्ट पड़ेगा। अब वो क्या करे, अब ये क्या कर सकता है, ये 10 तो कम करना है, पूरे पृथ्वी पर कहीं भी कम करे उसे क्या मतलब है, चाहे जापान में कम करे चाहे पूरी पृथ्वी पर कहीं कम करे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पूरी पृथ्वी का है ना, कहीं भी कम करे कम करे। अब ये क्या कर सकता है, ये किसी विकसित देश को क्या, विकसित देश को क्या दे सकता है, तकनीकी दे सकता है, क्या ऐसी तकनीक विकसित देश को दे दे कि वहां पर क्या ये 5 कम हो जाए, तो ये 10 अपना, यानी इसने अब 5 कम कर 10 कम कर दिया, क्या 10 कम हो जाए, तो चाहे वो यहां 10 कम कर दे चाहे वहां कर दे, अब तकनीक दे दिया किसी देश को और वहां 10 कम हो गया, उसकी भी टेंशन फ्री, उसका भी टेंशन फ्री हो गया। और या ऐसा यहां पर प्रोजेक्ट लगा दे, क्या ऐसा प्रोजेक्ट लगा दे कि वो 10 कम हो जाए, क्या ऐसा प्रोजेक्ट लगा दे कि वो 10 कम हो जाए, ठीक है। अभी ये जो कार्य किया गया इसी को बोलते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्या इसी को बोलते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, बस इतना आपको समझना। और ये जो प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं इसको कोई देखने वाला होगा, कागज में तो बहुत कुछ होता है, आप हम भारतीय तो बहुत जानते हैं कागज में क्या क्या होता है, बहुत जानते हैं कागज में। तो जैसे हमारे गांव के स्कूल को देखो तो काले कागज में टाइल्स वाइल्स सब लगे हैं, लेकिन वहां जाके देखो कुछ नहीं, विरोध भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि हम लोग विरोध नहीं करते, विरोध भी करते हैं। अब कितना विरोध, लाठी डंडा लेकर मार तो नहीं करोगे, ऐसे तलवार तो चलाओगे नहीं, आप क्या कर सकते हैं, अगर शिक्षित नागरिक हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, कितना कंप्लेन किया जाए, कम से कम 50 कंप्लेन तो खुद कर चुका हूं भाई देवे। तो ये हो गया क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब अगर आज तक देखें, क्या आज तक देखें तो कम से कम 1700 प्रोजेक्ट, क्या 1700 प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत, 1750 प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत कम से कम पूरे विश्व में लगाया गया है, और 3 बिलियन, क्या 3 बिलियन टन CO2 की क्या हुई है, इसके द्वारा कमी हुई है, क्या इसके द्वारा कमी हुई है, ठीक। अब एक CDM के अंतर्गत ही एक आता है कार्बन, कार्बन ट्रेडिंग, क्या कार्बन ट्रेडिंग, बस ये शब्द इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये शब्द इसी क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ये भी संबंधित है, ये कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग को ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जिसके द्वारा, जैसे एग्जांपल से समझें तो ज्यादा अच्छा है, एक प्रोजेक्ट आपने क्या लगाया टाइडल एनर्जी का, अब टाइडल एनर्जी में क्या बताया ज्वारीय ऊर्जा, आप क्या करते हैं ज्वारीय ऊर्जा की कोई फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री नहीं, फैक्ट्री मत करिए, बोलिए प्रोजेक्ट, क्या समुद्र किनारे प्रोजेक्ट लगाया। अब आपने जैसे 20 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की, क्या 20 मेगावाट ऊर्जा की उत्पन्न किया। अब अगर ये 20 मेगावाट किसके द्वारा, कोयला के द्वारा उत्पन्न होता तो कैसा होता, बहुत सारा CO2 निकलता, लेकिन यहाँ CO2 नहीं निकला, यहाँ CO2 नहीं निकला, यानी कि आपने क्या किया, आपने कार्बन को बचाया, क्या कार्बन को बचाया, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट मिल जाता है, क्या क्रेडिट मिल जाता है, यानी कि आपने कार्बन को बचाया। अब इस क्रेडिट को आप क्या कार्बन ट्रेडिंग के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, क्या बेच सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अब यहाँ पर कोई विकसित, ये तो भारत का एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर कोई विकसित देश है उसने क्या किया,
उसको मान लेते हैं कार्बन CO2 अलर्ट था 100, ठीक है 100 अलर्ट था, लेकिन उसने 110 क्या कर दिया, 110 खर्च कर दिया। अब ये 10 ज्यादा हो गया ना उसका, तो ये अब ये 10 इधर ट्रांसफर क्रेडिट के रूप में कर सकता है क्या, इधर ट्रांसफर कर सकता है, 10 को उधर ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि वो इसे खरीद सकता है, ये अमेरिका इससे खरीद सकता है, ये इससे बेच सकता है। तो कार्बन ट्रेडिंग ऐसे संदर्भ में आप समझिए, क्योंकि कार्बन ट्रेडिंग और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक बड़ा टॉपिक है, कम से कम आधा घंटा लगेगा उसमें, तो आपको सिंपल भाषा में हमने समझाने की कोशिश की। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।